ये देखिए दोस्तों, प्रभु श्री राम जी की नगरी का अद्भुत नज़ारा है। और ऐसे नज़ारे अयोध्या में रोज देखने को मिलते हैं। अलग अलग शहरों से अलग अलग जो है भक्त संत यहाँ पर आते हैं और ये से आपको नज़ारे जो है रामनगरी में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं जन्मभूमि पथ के पास और यहाँ का अगर आप लोग अभी का नज़ारा देखेगा तो कुछ इस तरीके से आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे जो कि रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, ये जन्मभूमि पथ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, उसका प्रवेश द्वार, और यहाँ पे सभी श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ का आप लोग माहौल देख सकते हो इस तरीके से। इधर जो है राम पथ मार्ग है, यहाँ से जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। इस साइड से आपको देखने को मिल जाएगा पूरा भीड़, इस तरीके से देख ही सकते हो। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये है, इधर भी राम पथ मार्ग है जो कि आगे आपको धर्म पथ और उसके बाद हाईवे तक लेकर जाता है। देखिए, यहाँ से भी आपको श्रद्धालु आते हुए दिखाई देंगे सामने से, देखिए हमारे। और ये बीच में इधर जो है जन्मभूमि पथ है। आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ क्या माहौल है अभी, क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी का जो माहौल है ये आपको करंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी रामलला का दर्शन करने आना चाहते हो अभी लेटेस्ट में तो बिल्कुल भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दिन पे दिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि भीड़ जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो दर्शन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग आना चाहते हो तो भी आ सकते हो। और साथ साथ गवर्नमेंट ने आस्था स्पेशल ट्रेन भी चलाई है, जिनके बारे में मैंने वीडियोज़ भी बनाया है कि वो लोग जो आते हैं कहाँ पर रुकते हैं सारी चीज़ें, तो वो वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हो। और उससे जो है मुफ्त में भी आ सकते हो आस्था स्पेशल ट्रेन से, ठीक है, और फ्री में आप लोग आ सकते हो और रामलला का दर्शन भी कर पाओगे। करंट में क्या स्टेटस है आप लोग देख ही सकते हो, इस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। बाकी चलिए आगे चलते हैं और आगे जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको दिखाते हैं। और देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हैं सारी चीज़ें, इधर मैंने आपको दिखाया, तो इधर तक चलते हैं आपको और भी चीज़ें को दिखाते हैं किस तरीके से माहौल है, क्या क्या चीज़ें हैं आपको सब कुछ दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों माहौल, और मैंने कई बार बताया कि यहाँ से आपको दर्शन करने के लिए जाना है, इस साइड से आप जाओगे इस तरफ से होते हुए तो आगे जाके वहाँ से आपको घूमना है। देखिए, वहाँ से आप इस तरीके से अंदर जो है दर्शन करने जा पाओगे। देखिए यहाँ का व्यू इस तरीके से, ये सारी चीज़ें, और सामने राम पथ मार्ग, इधर देख सकते ये चीज़ें हैं इधर। तो इधर सब चलते हैं, तो ये दिखेगा दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे बड़ी से बैरिकेडिंग लगी थी, अभी इसको निकाल दिए हैं क्योंकि अब जो है धीरे धीरे भीड़ कम दिखाई दे रही है, इसकी वजह से सब कुछ कंट्रोल में है, तो बैरिकेडिंग निकाल दी है। एक बार मैं दिखाऊँ अगर पीछे का व्यू, तो ये चीज़ आप लोग दिखेगा यहाँ से, अभी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ, ये चीज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो हम चलेंगे इधर, इधर आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं अभी करंट में, क्योंकि कई सारे भाई लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि आप बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दिखाइए, कीजिएगा जितना भी अपडेट अभी अयोध्या में हो रहा है वो चीज़ें दिखाइए, किस तरीके से रामलला का दर्शन कराया जा रहा है वो चीज़ें दिखाइए। तो मैं वही सोचिए आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो है श्रद्धालु अगर आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए किस तरीके से जा रहे हैं वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, इस पथ पे अभी जितने भी श्रद्धालु आपको दिख रहे होंगे इस साइड पे, सब दर्शन करके वापस जा रहे हैं, और इधर जितने भी आ रहे हैं इस साइड से वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और अभी जो है फिलहाल मैं भी आज पैदल ही चल रहा हूँ इस पथ पे, और लता मंगेशकर चौक तक हो सकेगा आपको चीज़ें दिखाएंगे हम पैदल ही चल के, ताकि आपको सारी चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि पथ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और साथ में किस तरीके से आप दर्शन करोगे, किस तरीके से आप जाओगे, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बस सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एंड तक, और मन करेगा तो ही लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखा दूँ तो ये चीज़ें देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर से व्यू दिखाई देगा आपको। ठीक है, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। बाकी चलते हैं पैदल ही यहाँ से और दिखाते हैं आपको चीज़ें। अभी जो है आपको इसे राम पथ पे कई सारे चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से आपको अपने घर ले जाने के लिए, जैसे कि इस तरीके से आप सामान ले सकते हो, ये धागे वगैरह, आपको कई सारे शॉप्स भी मिल जाएंगे।
तो इनको जो है आप ले सकते हो अपने घर के लिए। एक प्रभु श्री राम जी की तस्वीरें भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। ये चीज दिखेगा इधर, और यहाँ से कुछ इस तरीके से भी। और कई भाई जो है कमेंट करते हैं कि रहने के लिए जगह बताइए, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसी जन्मभूमि पथ के 100 से 200 मीटर आने के बाद इस साइड पे मार्ग है, जहाँ पे अंदर साहू धर्मशाला है, वहाँ पे आप जाके रुक सकते हो इसी पथ से, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, वीडियो भी बनाया हूँ, जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इजीली रुक भी सकते हो, और काफ़ी कम प्राइस में आपको रूम वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी दिखेगा तो इस तरीके से आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी रामपथ पे, आपके सामान वगैरह के लिए ये चीज़ें, और आपकी ज़रूरत के सारे सामान जो है यहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर दिखेगा दोस्तों, आपको इस तरीके से बोर्ड मिल जाएगा नया घाट का और हनुमानगढ़ी का, यहाँ से आप जो है हनुमानगढ़ी के दर्शन भी कर पाओगे इस साइड से, तो यहाँ से भी जा सकते हो। और आगे से भी जो है भक्ति पथ मार्ग है, वहाँ से भी आप इस तरीके से घूम के जा सकते हो। अभी चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। फिलहाल अगर अभी आप लोग देखेगा तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये माहौल अभी यहाँ का सारी चीज़ें। और ऐसी भीड़ यहाँ पे लगभग चलती रहती है 11 12 बजे रात तक, 1 बजे तक भी बोल सकते हो, चलता ही रहता है। उसके बाद जो है श्रद्धालु कम हो जाते हैं, तो अभी तो दिन का टाइम है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो है भंडारे का आयोजन किया गया है। देखिए इस तरीके से लोग भीड़ लगाए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और आगे जो है प्रसाद जो है वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सभी बाहर के श्रद्धालु हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हाल ही में स्टार्ट किया गया है ये भंडारे को, शायद आज या कल में, क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाया था तो नहीं था ये भंडारा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको इस तरीके से दिखाई देंगी सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी आपको इस ऐसे जगह जगह पे बोर्ड मिल जाएगा, ताकि आपको चीज़ें पता रहे हनुमानगढ़ी दशरथ महल के साइड पे है सारी चीज़ें। और आगे जो है भक्ति पथ मार्ग पे हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए यहाँ से है जो है भक्ति पथ मार्ग। आपको थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखाऊँ तो किस तरीके से आपको जाना है, देखिए। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये है चीज़ें, और ये है भक्ति पथ मार्ग इस साइड से। देखिए यहाँ पे श्री हनुमानगढ़ी लिखा मिल जाएगा आपको, और इधर से मैं अगर दिखाऊं तो ये चीज़ें हैं, ये है दोस्तों मार्ग। यहाँ से मैंने कई बार दिखाया है, आप जाके हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद रामलला का भी दर्शन कर पाओगे इस मार्ग से, ठीक है। फिलहाल चलते हैं इस साइड पर, और आपको इधर दिखाएँगे पूरा लता मंगेशकर चौक तक क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से। यहाँ पर आपको दोस्तों एक छोटा सा जो है पार्किंग एरिया मिल जाएगा, है ठीक ठाक स्पेस है यहाँ पर भी। तो अगर अपना व्हीकल्स ला रहे हो तो यहाँ पे भी जो है आप खड़ा कर सकते हो। देखिए 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स सभी यहाँ पे जो है स्टैंड है, इस साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों अयोध्या का अद्भुत नजारा, ये देखिए दोस्तों तुलसी उद्यान के पास अभी हम पहुंचे हैं, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो है कथा वगैरह होता रहता है, जो बाहर से बड़े बड़े साधु संत हैं उनका जो है कथा काफ़ी टाइम से यहाँ पे चल रहा है, अभी शायद फिलहाल बंद हो चुका है। और ये जितना स्थान है यहाँ पे श्रद्धालुओं के रहने के लिए बना दिया गया है, जगह लोग रुकते भी हैं, विश्राम भी करते हैं। और ये है रामपथ मार्ग, आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाऊं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ इस तरीके से भक्तों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। साइड में अगर आप लोग हम सामने की बात करें तो सामने लता मंगेशकर चौक पर
लगभग हम पहुंचने वाले हैं 500-400 मीटर की दूरी जो है वो शेष बची हुई है, ठीक है। और आप लोगों के लिए बताऊं, मैं उतना दूर से चलता हूं, आ रहा हूं, रोड को भी कवर कर रहा हूं, लोग किस तरीके से आ रहे हैं, सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग ना चैनल को सपोर्ट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, कुछ भी नहीं करते हो इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो अगर आप लोगों को मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक करना, वीडियोस को भी शेयर कर देना अपने रिश्तेदारों में जो लोग आना चाहते हैं राम की नगरी में प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए। तो ये नज़ारा सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा, मैं आपको लेटेस्ट देने की कोशिश करता हूँ वीडियोस को, ताकि आपको पता रहे क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट है, कहाँ पर आपको रहने की जगह मिलेगी, क्या चीज़ आप खाओगे, कैसी रहोगी, सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। चलिए दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे सामने लता मंगेशकर चौक के पास हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ का अगर आप लोग नज़ारा देखिए, यहाँ पे आपको हमेशा ठीक ठाक लेवल की भीड़ देखने को मिल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से जो है श्रद्धालु आते हैं, यहाँ हाईवे से आते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक ठीक ठाक स्पेस जो है, इसलिए यहाँ पे रुकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से भीड़ जो है देखने को मिलेगा, और इधर भी रोड जो है थोड़ा सा ढलान टाइप है, तो यहाँ से आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है पूरा। तो अगर दोस्तों आप लोग राम पथ पे हो तो वहाँ से जो है पैदल ही चलना, पैदल चलने में काफ़ी ज़्यादा आनंद आपको आने वाला है, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ गीत यहाँ पे चलते रहते हैं, आप लोग देख सकते हो साउंड वगैरह लगे हैं, तो पैदल ही चलोगे काफ़ी बेहतर रहेगा। बाकी चलिए चलते हैं लता मंगेशकर चौक तक, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से कई जगह पर आपको कलाकारियाँ देखने मिल जाएगी, लेकिन भाई गजब बहुत ही मेहनत कार्य है यहाँ, ये देख सकते हो आप लोग। तो लगभग दोस्तों पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर चौक के पास। यहाँ पे आपको एक बोर्ड भी मिल जाएगा देखने को, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम, पूरा सब कुछ देखने को मिल जाएगा, 15 किलोमीटर यहाँ से लिखा हुआ है, ये चीज़ें हैं दिखेगा। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो इस तरीके से बैठने के लिए जगह बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप लोग आओ तो यहाँ पर बैठ सकते हो, यहाँ पर भी और इधर भी, ये चीज़ें हैं ठीक है। और उस साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा ये सेम। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और लगभग हम पहुँच चुके हैं, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ का भी नज़ारा, अभी यहाँ पे क्या माहौल है वो चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों लता मंगेशकर चौक के पास का व्यू, यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भीड़ भड़ाक आपको इस तरीके से हमेशा दिखाई देगी। और मैं आपको थोड़ा सा उस साइड से दिखाता हूँ लता मंगेशकर मेन चौक के पास, आपको इस तरीके से मेरा दिखाई देगी यहाँ पे, और ये है चौक, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस साइड जो है राम की पैड़ी है, तो दोस्तों ये है, और इलेक्ट्रिक बसें आपको इस तरह देखने मिलेंगी अयोध्या में। और ये है चौक के पास का कुछ व्यू, ये चीज़ें आप लोग देखें, आप अयोध्या हो तो इनका राइड जरूर लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको ठीक ठाक दूरी भी ले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ का व्यू। दोस्तों बस इस ब्लॉग में इतना ही, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, क्या माहौल है, क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।